अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं हूं अरशद अजीज आपका फिजिक्स टीचर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फुल लेंथ पेपर नंबर थ्री को जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी वन हैवी न्यूक्लियस ऑफ एटम्स गोज थ्रू अ फिशन सो डेट दे कैन ऑप्शन अल्फा है अब्जॉर्ब हाई एनर्जी ऑप्शन बीटा है उंट ऑफ एनर्जी ऑप्शन चार्ली है इनक्रीज दियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑप्शन डेल्टा है रिड्यूस दियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फिशन प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें एक हैवी न्यूक्लियसिट अप हो जाता है टू लाइट न्यूक्लियाई में तो डेट्स अ एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हैवी न्यूक्लियस दो लाइट न्यूक्लियाई ऑफ रफली इक्वल साइज में सप्लेट अप हो जाए उसे हम कहते हैं ये फिशन हो रही है heavy nucleus, जिसका चार्ज 82 से ग्रेटर होगा वो स्प्लिट अप हो रहा है लाइट न्यूक्लियाई में किस लिए ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर सके आप अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ देखें तो उसमें आप देखते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास अटोमिक मैस बढ़ता जा रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यूज बढ़ती जाएगी टिल ये मैक्सिमम हो जाएगी और ये जो मैक्सिमम वैल्यूज की रेंज आती है ये लाइट न्यूक्लियाई के लिए होती है जिसे हम इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई भी बोल सकते हैं और उसके बाद जैसे जैसे ये न्यूक्लियाई का अटोमिक मैस हैवी होता जाता है वैसे वैसे ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होती जाती है कम होती जाती है इसका मतलब है जब एक हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट अप होकर दो लाइट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करेगा तो वहां पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पहले से क्या हो चुकी होगी ज्यादा हो चुकी होगी तो करेक्ट ऑप्शन अब कौन सी होगी जी चार्दी क्वेश्चन नंबर 142 है फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन इन द एबसेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑप्शन एल्फा है वर्टिकल स्पीड इज कांस्टेंट आप सबको अच्छी तरह से पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल स्पीड कभी भी कांस्टेंट नहीं होती ऑप्शन बीटा है हॉरिजेंटल फोर्स इज कांस्टेंट ऑप्शन चार्ली है हॉरिजेंटल एक्सलेशन इज जीरो ऑप्शन डेल्टा है वर्टिकल एक्सेलेशन इज जीरो तो वर्टिकल एक्सेलेशन भी जीरो नहीं होता बल्कि वर्टिकल एक्सेलेशन किसके बराबर होता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन में एबसेंस ऑफ एयर का केस डिस्कस करें तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स क्या हो जाएगी वो जीरो और अगर फोर्स जीरो हो गई है तो ऑब्वियसली भी किसके बराबर निकलेगा जीरो ही के बराबर निकलेगा तो डेट्स इस वक्त द बेस्ट ऑप्शन कौन सी है हॉरिजेंटल एक्सलेशन जीरो होना चाहिए देखे ना हॉरिजेंटल फोर्स हर लम्हे पर जीरो है तो ये भी स्पेशल केस के तौर पर कॉन्स्टेंट कंसिडर की जा सकती है तो डेट्साइ बीटा ऑप्शन बी टू सम एक्सटेंट ठीक है चार्दी ऑप्शन बी ठीक है लेकिन अब अगर हम बेस्ट ऑप्शन पर आए तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास यही बन रही है तो डेट्स वक्त कौन सी है इज द चार्दी थ्री क्वेश्चन है द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल डिपेंड अपॉन द दिलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन एंड द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन फॉर अ फिक्स विलोसिटी वेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज लार्जर देन फोर्टी फाइव डिग्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन अल्फा है बोथ द हाइट एंड द रेंज अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल विल बी लेस ऑप्शन बीटा है बोथ द हाइट एंड रेंज अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल विल बी मोर ऑप्शन चार्ली है द हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल विल बी लेस बट द रेंज इज मोर ऑप्शन डेल्टा है द हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल विल बी मोर बट द रेंज इज लेस अब सबको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में किस एंगल पर रेंज मैक्सिमम हो जाती है तो रेंज मैक्सिमम होगी एट एंगल 45 डिग्री अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री हो जाए तो रेंज उस पर मैक्सिमम हो जाती है 45 डिग्री से आप एंगल और बढ़ा दें तो अब रेंज पहले से क्या होना शुरू हो जाती है कम जबकि हाइट कहां पर मैक्सिमम मिलती है वो आप इसे स्पेशल केस मान लें कि नाइनटी डिग्री पर दिस मीन्स डैट फोर्टी डिग्री तक अगर आप एंगल कंटिन्यूसली बढ़ाते जाएं, तो आपको नजर आ रहा है रेंज भी पहले से बढ़ रही है और हाइट भी पहले से क्या कर रही होगी बढ़ रही होगी 45 डिग्री से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को और बढ़ा दें तो रेंज पहले से क्या हो गई कम हो गई जबकि हाइट अभी क्या करती जा रही है वो बढ़ती ही जा रही है तो इसका मतलब है हमारे पास कौन सी ऑप्शन ठीक होगी डेल्टा डेल्टा ऑप्शन एक बार फिर पढ़ लेते हैं जी द हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल विल बी मोर द हाइट अटेन विल बी मोर बट द रेंज इज रेंज क्या हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है देखें हमारे पास फार्मूला कौन सा यूज होगा c इज इक्वल टू द एफ लैमडा दिस मीन डेट लेमडा किसके बराबर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो गई लेमडा इज इक्वल टू दी बाय C की वैल्यूज कांस्टेंट है 3 इंटू टेन डेज की पार 8 मीटर पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी 3 किलो हर्ड गिवन थी तो मैंने किलो की जगह डेज की पार प्लस थ्री लिख दिया 3 से 3 कैंसिल हो गया क्या 10 की पार 8, और 10 की पार प्लस थ्री ऊपर जाकर 10 डेज की पार माइनस थ्री में कन्वर्ट हो गया तो निकल आया टेन डेज की पार फाइव मीटर क्या हम इसे लिख सकते हैं टेन डेज की पार प्लस टू मल्टीप्लाई बाय टेन की पार प्लस थ्री मीटर बात तो एक ही है टेन एज की पर प्लस टू को क्या कहा जाता है 100. 10 इसकी पर प्लस किलो तो से अब आंसर आप किलोमीटर भी लिख सकते थे तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई चार्ली वन फोर्टी फाइव क्वेश्चन है जी एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन इक्वेशन आपके पास गिवन है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वोल्टेज अपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो करना क्या होगा जो आपके पास इक्वेशन गिवन होगी इसको कंपेयर किया करें हमेशा जनरल इक्वेशन से AC की जनरल इक्वेशन लिख दी ऑफ पाई मैंने इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखी ना क्योंकि मैडी फ्रीक्वेंसी करना चाह रहे थे तो साइन फंक्शन को जरा कंपेयर कीजिएगा दिस मीन डेट टू पाई एफ टी किसके पाई टी से पाई टी कैंसिल हो गया कैलकुलेट करना चाह रहे थे ये टू इधर मल्टीप्लाइंग फैक्टर है तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज निकल आई डेट इज अंड्रेड बाय टू और हंड्रेड बाय टू को क्या लिखा जाता है फिफ्टी इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे हर्ड्स तो आंसर क्या निकल आएगा फिफ्टी हर्ट तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई चार्ली नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वन फोर्टी सिक्स द डायमीटर ऑफ अ वायर मेजर्ड बाय यूजिंग अ माइक्रोमीटर सिक्रूगेज उंट ऑफ पॉइंट जीरोमीटर विच ऑफ दीडिंग विल बी को आपके पास ये माइक्रोमीटर सिक्यू गेज दे दिया गया मिलीमीटर mm. आप इसे लिख सकते हो पॉइंट जीरो जीरो वन सेंटीमीटर अब देखिये ये चार आपके पास ऑप्शन दी गई है आपने बताना है कि कौन सी रीडिंग कुरेक्ट होगी देखे सिंपल इज डेट जितने डेसिमल पॉइंट पर इसका लीस्ट काउंट होगा आंसर में भी उतने ही डेसिमल पॉइंट्स होने चाहिए वो रीडिंग ज्यादा पिसाइज कंसीडर की जाएगी अब हमारे पास ऑप्शन कौन सी ठीक बन रही है सेंटीमीटर तो डेसिमल पॉइंट्स कितने है? इसमें थ्री तो say, ये इसके साथ मैच कर रहा है तो डेट से ये हमारे पास ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग होगी कंफ्यूज नहीं होना इसमें आंसर पॉइंट सिक्स सेवन सेंटीमीटर लिखा हुआ है और अगर सेंटीमीटर की शक्ल में जाए तो हमारे पास कितने डेसिमल डिजिट्स आ रहे हैं थ्री तो डेट सर इस वक्त हमारे पास इस ऑप्शन में द बेस्ट ऑप्शन कौन सी है जीरो नो वर्क इज डन देखिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है वर्क इज इक्वल टू द एफ डी कॉज ऑफ थीटा नो वर्क इज डन मतलब वर्क जीरो कब होगा तीन कंडीशन है ना नंबर फर्स्ट फोर्स ही ना लग रही हो जैसे अगर आप परपेचुअल मोशन में हो तो ऑब्वियसली उस वक्त हमारे पास फोर्स नहीं लग रही होती परपेचुअल मोशन में फोर्स जीरो होने का मतलब है क्या होगा वो जीरो होगा। इसकी सेकंड कंडीशन क्या है डिस्टेंस ही कवर ना हो रहा जैसे गाड़ी स्टार्ट करके अपनी जगह पर खड़ी रहे फोर्स तो लग रही है डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा तो फिर भी डन क्या होगा जीरो तीसरी कंडीशन क्या है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल बन जाए 90 डिग्री इसके अकॉर्डिंगली अपनी को देखते हैं जी. हमारे पास पहली है फोर्स मतलब भी कवर हो रहा है तो यहां पर वर्क डन जीरो बीटा ऑप्शन है राइटिंग एन एसे ऑन अ पेज राइटिंग एन एसे दिस मीन्स डेट कलम पेन पेपर पर चल रहा होगा मूव कर रहा है फोर्स भी लग रही है तो डेट्स यहाँ पर भी वर्क डन जीरो नहीं होगा चार्ली ऑप्शन है लिफ्टिंग द वेट जब आप किसी भी वेट को लिफ्ट कर रहे होते हो फोर्स भी लग रही है डिस्टेंस भी कवर हो रहा है एंगल भी दोनों के दरमियान 90 डिग्री नहीं बन रहा तो डेट्स वर्कडन यहां पर भी हो रहा होगा द मून ऑर्बिटिंग द अर्थ जब भी मून ऑर्बिटिंग करेगा अर्थ के इर्द गिर्द तो यहां पर यह सेंटिपिटल फोर्स का केस आ गया सेंटिपिटल फोर्स में डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फोर्स के दरमियान कितना एंगल बनता है नाइंटी डिग्री तो so, 90 किसके बराबर होगा Zero के तो तो इस सिचुएशन पर work क्या होगा Zero होगा a, कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई Delta. 148 क्वेश्चन है पेंडुलम इज देखें टाइम पीरियड ऑफ फॉर्मूला होता है टू पाई रूट एल बाय जी दिस मीन्स डेट टाइम पीरियड लेंथ रूट के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है तो नए टाइम पीरियड का पुराने टाइम पीरियड के साथ रेशियो क्या निकलेगी जो नई लेंथ होगी डिवाइडेड बाय पुरानी लेंथ और इसका अंडर रूट लेना है क्या कंडीशन दी गई लेंथ डबल हो गई ट्वेल्व तो डैश को मैंने ट्वेल्व लिख दिया और ये एल ई है अब हुआ क्या हमारे पास यहां पर टू अंडर रूट को अलहदा किया जा सकता है

एवरी साइकिल ऑप्शन चार्ली है इनवर्ट फॉर पॉजिटिव साइकिल और ऑप्शन डेल्टा है remains constant. अब की की बात की जा रही है। है? देखें, हमारे पास full wave rectification. Rectification कौन सा process होता जिसमें एक ए सी में कन्वर्ट हो जाता है डीसी में तो हमें आउटपुट पर कौन सा सिग्नल चाहिए डीसी तो क्या डीसी में करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है कतन नहीं तो आउटपुट सिग्नल हमें क्या मिलेगा जिसमें हमारे पास आउटपुट सिग्नल में डायरेक्शन क्या होगी चेंज नहीं हो रही होगी या इस तरह से कह लें कि वो कॉन्स्टेंट रहेगी तो इसका मतलब हुआ हमारे पास कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई डेल्टा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास वन फिफ्टी अ वायर है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ऑफ फाइव इंटू टेन डेज की पर फोर न्यूटन पर मीटर इट इज स्ट्रेच फोर्स ऑफ एक्सटेंशन वन पॉइंट फोर मिलीमीटर ये एक्सटेंशन गिवन है कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर आपने स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करनी है खे हमारे पास सटेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ फोर्स इन एक्सटेंशन हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली आप एफ को लिख सकते हो डेट इज इक्वल टू द द के के एक्स इज फोर्स कांस्टेंट कांस्टेंट या स्प्रिंग अगर हम एफ की जगह पर यहां पर ये वाली वैल्यूज रिप्लेस कर दें तो सटेन एनर्जी या वर्क डन का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर भी हो सकता है वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिएगा के की वैल्यूज लगा दें और एक्सटेंशन की वैल्यूज लगा दें एक्सटेंशन 1.4 पॉइंट फोर मिलीमीटर थी तो मैंने 1.4 पॉइंट फोर इंटू टेन एज की पार माइनस थ्री साथ में स्केयर भी ले लिया फाइव डिवाइडेड बाय टू कितना आंसर आ जाएगा 2.5 ये टेन एस की पार प्लस फोर है और ये टेन एस की पार माइनस थ्री का स्केयर टेन एज की पार माइनस सिक्स हो जाएगा आपने 1.4 का स्केयर लेना है तो 1.4 का स्केयर निकलेगा 1 जिसको आप रफली टू समझ सकते हो मीन्स डेट 2.5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर तो 5 आ जाएगा और ये 10 डेज की पार माइनस टू जूल के करीब होगा तो इसके अकॉर्डिंगली हम अपनी ऑप्शन को देख लेते हैं तो हमारे पास पहली ऑप्शन है माइनस फाइव जूल तो डेट्स ए तो ऑप्शन गलत हो गई बीटा ऑप्शन है 4.9 पॉइंट नाइन जूल चार्ली ऑप्शन है 4.9 पॉइंट नाइन इंटू टेन डेज की पार प्लस फाइव जूल डेल्टा ऑप्शन है 4.9 पॉइंट नाइन इंटू टेन डेज की माइनस टू जूल तो कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई 4.9 10 -2 जूल डेल्टा 151 क्वेश्चन है जी इफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मैसेस आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विद द सेम स्पीड देन व्हाट विल बी द टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर अलास्टिक हेड ऑन कोलिजन कौन सा कोलिजन हो रहा है हेड ऑन कोलिजन और ये अलास्टिक कोलिजन है दोनों पार्टिकल्स के मैसेस भी सेम हैं और दोनों एक दूसरे की साइड पर मूव कर रहे हैं विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी साइड पर मूव करने का मतलब है दोनों की डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी अब देखें इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन का मतलब है इनिशियल मोमेंटम ही किसके इक्वल आना चाहिए फाइनल मोमेंटम के मोमेंटम कंजर्व होगा ना तो अभी कोलिजन से पहले का मोमेंटम क्या होगा इस बॉडी का मोमेंटम क्या है एम वी इसका मोमेंटम क्या है माइनस एम वी मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है ना तो डेट सॉय जब आप एम वी को एड करेंगे माइनस एम वी में तो यहां पर टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन क्या निकल रहा है जीरो तो टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन भी क्या निकलेगा जीरो ही निकलेगा तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन क्या हो गए डेल्टा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 152 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस हैव एवरेज कनेटिक एनर्जी एक्स इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम ट्वेंटी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड टू थ्री ट्वेंटी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज कनेटिक एनर्जी ऑफ बी कम देखिये हमारे पास कनेटिक मालिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंगली हमने ये रिलेशन ड्राइव किया था कि जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मीन ट्रांसलेनल कनेटिक एनर्जी के दिस मीन्स डैट कनेटिक एनर्जी ओवर कैनेटिक एनर्जी प्राइम किसके इक्वल निकलेगी टेम्परेचर डिवाइडेड बाई टेम्परेचर प्राइम अब कौन सा टेम्परेचर लेते हैं एपसल्यूट टेम्परेचर लेते हैं यहां पर यही गलती हो सकती है स्टूडेंट से दिस मीन्स डेट हमने सेंटीग्रेड गिवन टेम्परेचर को किसमें कन्वर्ट करना है कैलवन में तो जो वैल्यूज गिवन थी उसमें 273 सेवेंटी एड कर दिया जो वैल्यूज गिवन थी उसमें 273 सेवन एड कर दें तो यहां पर तो आ गया 300 हंड्रेड डिवाइडेड बाय सिक्स हंड्रेड इसे ये दो जीरो तो दो जीरो से कैंसिल हो गए ना थ्री बाय सिक्स को वन बाय टू लिख सकते हैं ये कनेटिक एनर्जी की वैल्यूज दी गई

आप इसकी मैक्सिमम वैल्यूज के लिए सिंपल मेगनीच्यूट को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो क्वेश्चन में गिवन है है कि ये चीज तो जबकि हमने फोर्स को क्या कर दिया डबल कर दिया पावर और फोर्स में कौन सा रिलेशन बन रहा है डायरेक्ट अगर फोर्स डबल हुई होगी तो टोटल पावर भी क्या हो चुकी होगी वो डबल हो चुकी होगी तो डेट से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई डेल्टा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 154

तो डेट सा इसके अकॉर्डिंगली अपनी ऑप्शन को देखते हैं ऑप्शन नंबर है द द द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट तो अगर आप इसे इंक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज कर रही है तो डेट से ऑप्शन एल्फा तो गलत हो गई ऑप्शन बीटा है डिफ्रेक्टेड रे इंक्रीजेस तो हमें नजर आ रहा है कि वेवलेंथ को बढ़ाने से फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ जाती है तो ये ऑप्शन ठीक है ऑप्शन चार्ली है डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट टू द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फ्रिंज ऑन द स्क्रीन इंक्रीजे ऑप्शन डेल्टा है द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इंक्रीजेस और अगर हम डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इंक्रीज करेंगे तो ये कम हो जाएगी तो इस वक्त एक ही ऑप्शन ठीक है एरिया अंडर द एक्सटेंशन लोड ग्राफ ऑफ एन अलास्टिक मटीरियल इलास्टिक लिमिट द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ सिंपली आपने बताना है किसके बराबर होगा फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ में हम जो लोड है वो कहां पर ले रहे होते हैं लोड टेकन अलोंग वाई एक्सिस। और एक्सटेंशन कहां पर ले रहे होते हैं एक्सटेंशन टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस अब हमने इसका एरिया ड्रॉ करना है अगर हम एरिया लेते हैं तो एरिया हम आमतौर पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले रहे होते हैं कौन सी शेप बन रही है राइट एंगल ट्राई एंगल की तो एरिया किसके बराबर आ जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट के दिस मीन्स डेट हमारे पास यहां पर ये एरिया किसके बराबर निकलेगा दैट इज हाफ फोर्स इंटू एक्सटेंशन देखो यही हाइट की वैल्यूज है इसे आप लोड कह लें फोर्स कह लें ये इसकी बेस है तो ये एक्सटेंशन है एक्सटेंशन को आप एक्स लिख लें डेल्टा एल लिख लें और हाफ फोर्स इनटू एक्सटेंशन किसके बराबर होता है इज सर्ट्रेन इनर्जी तो इन अदर वर्ड्स हमारे पास ये एरिया किस चीज को रिप्रेजेंटेशन दे रहा है सर्टेन इनर्जी को तो इसके मुताबिक करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई बीटा 156 क्वेश्चन है जी मिनिमम इनर्जी रिक्वायर्ड टू एजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सर्फस इज कॉल्ड फोटो इफेक्ट यहां पर ये हमें पता है कि ये सिंपल सी डेफिनेशन है वर्क फंक्शन की तो डेट इज सेट टू बी द वर्क फंक्शन तो कौन सी ऑप्शन हमारे पास इस वक्त करेक्ट होगी दैट इज द एल्फा 157 क्वेश्चन है जी द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज द टेस्ला इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक इंडक्शन हमारे पास फॉर्मुला जो है जी एफ इज इक्वल टू द आई एल बी साइन ऑफ एल्फा बी को हम लिख सकते हैं एफ ओवर आई एल और अगर हम मैक्सिमम फोर्स के लिए जा रहे हैं तो हम साइन ऑफ एल्फा का फैक्टर वन कंसीडर कर सकते हैं अब आपने बी के यूनिट बनाने तो बी के यूनिट तो टेस्ला भी है जैसे बता दिया गया इसके अलावा आपको नजर आ रहा है बी के यूनिट्स क्या हो सकते हैं फोर्स का यूनिट क्या होगा न्यूटन करंट का यूनिट क्या होगा एम्पेयर और ये पर एम्पेयर लिखा जाएगा लेंथ का यूनिट क्या होगा मीटर और इसे आप पर मीटर भी लिख सकते हो तो डेट्स ए वन न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर बी टेस्ला ही है तो डेट्स ए करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई डेल्टा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी 158 फिफ्टी एट परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ एंड ऑफ आ रेक्टेंगल थ्री परसेंट द टोटल अनसर्टेनिटी इन एरिया ऑफ द रिकल इज आपने टोटल अनसर्टेनिटी निकालनी है देखिए हमारे पास एरिया ऑफ आ रेक्टेंगल लिखा कैसे जाता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल है जी लेंथ मल्टीप्लाई बाय द विथ अगर आपको टोटल अनसर्टेनिटी इन एरिया लेना है तो आप देखें इस साइड पर equality के दो क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाइड हो रही हैं और अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाइड हो रही हो तो टोटल अनसर्टेनिटी लेने का तरीकेकार है इनकी परसेंटेज अनिटीज को आपस में एड कर देंगे तो डेट्साइ टोटल अनसर्टेनिटी इन एरिया किसके बराबर आ जाएगा परसेंटेज परसेंटेजी इन लेंथ और परसेंटेज अनिटी इन वेथ वैल्यूस टू परसेंट गिवन है और ये वैल्यूज थ्री परसेंट गिवन है तो तो कितने हो गए जी? 5 तो correct option हमारे पास कौन आ गई बीटा जी next question है वन फिफ्टी नाइन वट इज अ क्वाक कॉम्पोजिशन ऑफ अ प्रोटोन प्रोटोन है क्या बेरियॉन और बेरियॉन किससे मिलकर बनते हैं तीन क्वाक से और प्रोटॉन की इंफॉर्मेशन हमारी बुक में दी गई है कि प्रोटॉन की जो क्वाकोजिशन है वो अप अप एंड डाउन है मतलब दो अप और एक डाउन अगर मिल जाएं तो ये आपस आप में मिलकर क्या बनाएंगे प्रोटॉन बनाएंगे तो दैट्स करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई एल्फा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास वन सिक्सटी वट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इफ द सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर सोर्स इज मूविंग

और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये रियल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये सिंपल सा फॉर्मूला हमारी बुक में लिखा हुआ था इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई एल्फा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा वर्क डन ड्यू टू द देंटिपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन विल बी देखिए सर्कुलर मोशन में सेंटिपिटल फोर्स हमेशा किस साइड पर होती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल और ये अलोंग द टेंजेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन लिया जाता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंटेशन दे रहा होगा तो वादे तौर पर नजर आ रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल बन गया 90 डिग्री और कॉज ऑफ 90 किसके बराबर होता है जीरो के तो डेट्स ए सेंटीमिटल फोर्स वर्क डन नहीं कर रही होती इसका वर्क डन किसके बराबर निकलता है जीरो के तो डेट्स ए करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई डेल्टा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास वन इफ वी गिव अ डायरेक्ट टर्न टू द ट्रांसफार्मर प्राइमरी क्वाइल देन देर विल बी आप सबको पता है ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी क्वाइल में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता ये आपस में मैग्नेटिकली लिंक्ड होती हैं। मतलब प्राइमरी क्वाइल में मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज होगा वो हम लिंक करते हैं किसके साथ सेकेंडरी क्वाइल में और ये जो फ्लक्स का चेंज है ये इंड्यूस करता है किसको ई एम एफ को तो अगर हम इसमें डीसी दे दें ट्रांसफार्मर में तो क्या फ्लक्स का चेंज आ सकता है पॉसिबल ही नहीं है तो डेट्स तो वाई यहां पर अगर हम डी अप्लाई कर दें प्राइमरी पर तो सेकेंडरी पर कोई वोल्टेज अपेयर नहीं हो सकती ट्रांसफार्मर नाम का जो भी डिवाइस है वो एक्चुअली ऑल्टरनेटिंग करंट ही का डिवाइस होता है क्योंकि ये गिवन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को लार्जर या स्मॉलर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में अपेयर कराता है अक्रॉस द सेकेंडरी तो डेट्स इस वक्त हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो क्या होगी जी ऑप्शन एल्फा है लेस ई एम एफ प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी ऑप्शन बीटा है नो ई एम एफ प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी तो मैंने अभी बोला कि अब ई एम एफ कोई प्रोड्यूस नहीं हो सकती secondary के क्रॉस तो डेट से कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई बीटा वन सिक्स क्वेश्चन है जी द वैल्यू एंड द यूनिट ऑफ द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट कैन बी एक्सप्रेस एज आपने सिर्फ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यूज और उसके यूनिट्स बताने हैं तो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यूज क्या होती है सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन एस की पावर माइनस थर्टी फोर और इसके यूनिट्स क्या होंगे सेम एज द एंगुलर मोमेंटम दैट इज जूल सेकंड तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी हो गई चार्ली नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 164 अ स्मॉल करंट बिटवीन द इनपुट टर्मिनल ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज बिकॉज ऑफ कहा गया हमारे पास इनपुट टर्मिनल्स ऑफ ऑपरेशनल एम्प्लीफायर के दरमियान नेग्लिजिबल स्मॉल करंट होता है उसकी वजह क्या है तो बेसिक सी करेक्टरिस्टिक्स है ऑपरेशनल एम्प्लीफायर की उसकी वजह इस इनपुट टर्मिनल के, के दरमियान काफी बड़ी रेजिस्टेंस का होना है जिसे हम इनपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं और ये वेरी हाई वैल्यूज की होती है तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बन गई डेल्टा नेक्स्ट 165 सिक्सटी फाइव क्वेश्चन है इफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ सेवन मीटर इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ पॉइंट थ्री टेस्ला कैरिंग द करंट वन एम्पेयर इज प्लेस पैरल टू द फील्ड वट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड देखें इंपॉर्टेंट वर्ड है पैरल टू द फील्ड अब याद रखिएगा लव सो पैरल टू द फील्ड एंटी पैरल टू द फील्ड अलॉन्ग द फील्ड इन तमाम केसेस में यहां पर ये फैक्टर जीरो हो जाएगा साइन ऑफ जीरो साइन ऑफ वन एटी का आंसर अच्छा जीरो ही होता है तो डेट्स यहां पर जो मर्जी डाटा हो ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या हो जाएगा जीरो तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी जीरो एंड डेट इज अ

तो मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करने के लिए यही एक्सप्रेशन आपको हेल्प आउट करेगा ना मैक्सिमम फोर्स के लिए ये साइन ऑफ 90 हो जाएगा साइन ऑफ 90 का फैक्टर वन होता है तो डेट्स ए मैक्सिमम फोर्स का एक्सप्रेशन निकलेगा आई और अगर आपको मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट लेंथ लेनी हो तो इसका मतलब है ये लेंथ की वैल्यू इधर आकर क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी तो ये मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक्सप्रेशन निकलाया आपने जस्ट आई और बी की वैल्यूज लगानी है आपने वैल्यूज रिप्लेस कर दी अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं देखिए 1.8 को लिखा जा सकता है 18 बाई टेन डेसीमल अगर खत्म कर दे ये जीरो तो इस जीरो से कट गया एटीन मल्टीप्लाई 16, 16 को रफली एस्टिमेट कर लें फिफ्टीन है एटीन को ट्वेंटी समझ लेते हैं तो देखें इस तरह से हमारे पास कैलकुलेशन आसान हो गई 15 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 300 हंड्रेड इंटू टेन एस की पार माइनस सिक्स न्यूटन पर मीटर अब अपनी ऑप्शन को गौर से देखिएगा तो हमारे पास ऑप्शन है जी टू पॉइंट एट एट इंटू टेन डेज की पर माइनस टू की पर न्यूटन पर मीटर और डेल्टा ऑप्शन है टू पॉइंट एट एट इंटू टेन डेज की पर माइनस सिक्स न्यूट्रन पर मीटर देखिए कोफिशिएंट तो सब में सेम है डेट्स ए मसला यहां पर आएगा ना तो आप इसे लिख सकते हो थ्री और ये टेन डेज की पर प्लस टू और ये टेन डेज की पर माइनस सिक्स क्या हो जाएंगे 10 की माइनस फोर न्यूटन पर मीटर और थ्री स्टैंड एट एट रफली यही गेस किया जा सकता है तो टू पॉइंट एट एट इन टेन डेज की पार माइनस फोर न्यूटन पर मीटर कौन सी ऑप्शन है जी एल्फा तो एल्फा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गई क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी सेवन है इफ वी चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग अ कॉइल बाय रोटेटिंग द कॉइल इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कॉइल कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है तो ऑबियसली इसमें फ्लक्स का चेंज तो आ रहा होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस और ये जो फ्लक्स का चेंज है ये किस चीज को को लीड करता है को, और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंगली हम ऐसे ही लिख सकते हैं मतलब है ये इंड्यूस्ड ई एम एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तो यही पूछा गया आपसे कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंड्यूस्ड ई एम एफ के तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई एल्फा

पॉइंट जिसका डिस्टेंस यहां से आर है इस जगह पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और इसका जो पोटेंशियल है वो वी है क्वेश्चन ये दिया गया कि अगर इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई e बायर हो जाए तो उस वक्त पोटेंशियल की वैल्यूज क्या होगी देखो ई बाई फोर कब होगी ये जब इस साइड पर मूव करता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली इस साइड पर मूव करने से डिक्रीज करेगी ना चार्ज से जैसे जैसे दूर हटते जाएंगे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी वीकर होती जाएगी तो डेट से अगर हम ये कंडीशंस लगाते हैं तो ये किस पॉइंट पर जाकर ई बाई फोर हो सकती है तो अगर मैं आर की वैल्यूज को टू आर लगा दूं यहां पर अब देखे आर स्केयर की जगह पर हमने टू आर होल स्केर ले लिया तो अब नई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी के क्यू और यहां पर अगर मैं टू आर लिखता हूं तो ये फोर आर स्केयर हो गई ये आपके पास पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज है तो अब आंसर क्या निकल आएगा ई e बाय फोर तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बाय फोर जब होगी उस वक्त उस पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस कितना हो चुका होगा टू टाइम्स जो हमसे पहला डिस्टेंस डिस्कस किया गया है इसका मतलब है आप इससे डबल डिस्टेंस दूर जा चुके होंगे अब देखिएगा पोटेंशियल की वैल्यूज कैसे लिखी जाती है दैट इज K Q आर आर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यूज वी थी तो अब हमारे पास टू आर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यूज क्या निकलेगी तो वो क्या निकलेगी इलेक्ट्रिक तो फील्ड की वैल्यूज बाय फोर हो चुकी होगी उसी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यूज पहली वैल्यूज का हाफ हो चुका होगा तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो तो हमारे पास निकला बीटा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वन सिंपल हारमोनिक मोशन एक्सलेशन विल बी मैक्सिमम वेन ऑब्जेक्ट इज एड तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं तो कॉन्स्टेंट हो गया दिस मीन्स डेट ए इज डायरेक्टली परपोर्शनल टू माइनस एक्स माइनस का साइन तो डायरेक्शन को बता रहा है सिंपल इज डेट अगर हम मैग्निच्यूड के अकॉर्डिंगली चले तो ए और एक्स में कौन सा रिलेशन है डायरेक्ट अगर ये मैक्सिमम होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा मैक्सिमम और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं एम्प्लीच्यूड तो डेट्स इसके अकॉर्डिंगली अपनी ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन एल्फा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन ऑप्शन बीटा सेंटर पॉजिशन ऑप्शन चार्ली है मीन पॉजिशन और ऑप्शन डेल्टा है हाफ ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पॉजिशन एक्सलेशन कब मैक्सिमम होगा जब डिस्प्लेसमेंट बी मैक्सिमम होगी तो डेट्स अ करेक्ट ऑप्शन हो गई एल्फा वन सेवेंटी क्वेश्चन है जी कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी गिवन है एच की वैल्यूज आपको बता दी गई आपने इनर्जी कैलकुलेट करनी है इनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है ना तो अब आप वैल्यूज लगा दें एच की वैल्यूज और फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज अगर मैं थ्री को सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर बनता है नाइनटीन पॉइंट एट नाइन टेन एज की पर माइनस थर्टी फोर और टेन एज की पर प्लस एटीन को अगर हम कंप्यूट करें तो आंसर निकलेगा टेन एज की पर माइनस पॉइंट निकलाइनसिक्स नाइन थ्री विच रिप्रेजेंटेड बाय लेमडा ये किस क्वांटिटी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है ये आपको क्लियरली लीड कर रहा है ये क्या है ये हाफ लाइफ है तो इसका मतलब है का चैप्टर जरा में लेकर आए हाफ लाइफ के साथ हम जब डिके कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते थे तो जो आंसर था वो निकल रहा था लॉग ऑफ टू के जिसे आपने पॉइंट सिक्स नाइन थ्री भी लिखा तो डेट्सा किस चीज की रिप्रेजेंटेशन है डिके डिकेन्सटेंट की तो डेट्स ए करेक्ट ऑप्शन हो गई डेल्टा 172 क्वेश्चन है जी हमारे पास द पार्ट डिफरेंस फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैन बी रिटन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पार्ट डिफरेंस कैसे लिखा जा सकता है डिस्ट्रक्टिव so मतलब, आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं टू एन प्लस वन टू एन प्लस वन का आंसर हमेशा ऑड ही निकलेगा और इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे लेमडा बाय टू से आप इसे ऐसे, ऐसे भी लिख सकते थे ये टू एन प्लस वन और ये हाफ इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया तो ये आंसर एन प्लस हाफ भी लिखा जा सकता है फिलहाल हमारे पास यही करेक्ट ऑप्शन थी और ये ऑप्शन है जी डेल्टा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 173। सेवेंटी थ्री इफ अट इज एमिटेड बाय सिंगल सोर्स पास थ्रू टू स्लेट्स वन मिलीमीटर अपार्ट, द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व ऑन स्क्रीन 200 सेंटीमीटर अवे एंड द सेपरेशन बिटवीन द

डी वैल्यूज वन मिलीमीटर है और इसे आपने टू हंड्रेड सेंटीमीटर लिखा एल एल इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट टू स्क्रीन हंड्रेड और साथ में सेंटी की लगा दी ये -2 तो इस दो से कट गए ये टू से टू कैंसिल हो गया तो आंसर निकल आएगा वन इंटू टेन एज की पर माइनस सिक्स मीटर और माइनस सिक्स को आप माइक्रो भी कह सकते हो तो वन माइक्रोमीटर आंसर हो गया तो करेक्ट ऑप्शन हो गई जी बीटा वन सेवेंटी फोर क्वेश्चन है जी सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मालिकुलर इनर्जीज क्रेटिक एंड पोटेंशियल इनर्जीज को क्या बोलते हैं इंटरनल इनर्जी तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गई एल्फा वन सेवन क्वेश्चन है जी कैलकुलेट द रेट एट विच द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाई टू ट्वेंटी वोल्ट मेन सप्लाई विच प्रोवाइड करंट ऑफ पॉइंट वन एमपेयर टू एलईडी पावर सप्लाइड कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मर का फॉर्मूला क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ द करंट इनटू द वोल्टेज पॉइंट वन एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय द टू ट्वेंटी वोल्ट पॉइंट वन को आप वन बाय टेन लिख सकते हो ये टेन और ये एक जीरो आंसर तो क्या निकल आएगा ट्वेंटी टू वॉट तो करेक्ट ऑप्शन हो गई चार लेवेंटी सिक्स क्वेश्चन है जी पार्टिकल कैरिंग द चार्ज ऑफ फाइव इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ट्वेंटी वट वुड बी द इनर्जीड बाई द पार्टिकल इन ज्यूल आपने जाउल में आंसर देना है देखिये हमारे पास इनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा चार्ज मल्टीप्लाई बाय द पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज की वैल्यूज किसके बराबर आएगी दट इज अंटेग्रल मल्टीपल ऑफ सम लीस्ट वैल्यू और ये लीस्ट वैल्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज होती है कितने इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहे थे फाइव और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है into की पार, -19 और की और पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यूज क्या थी 25. 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये वन ट्वेंटी फाइव हो जाएगा और अगर आपने पर आप गौर करते हो तो बाकी वैल्यूज एज इट इज थी तो डेट्स ये आंसर किस में निकल आएगा तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई जी चार्जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी वन सेवन सेवन अपर वायर हैज लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए

अब हमें नई रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है कंडीशन ऑफ द क्वेश्चंस लगा देते हैं क्वेश्चन की कंडीशन थी कि लेंथ को हाफ कर दें और डायमीटर को भी हाफ कर दें अब देखें फोर इंटू रेजिस्टिविटी साथ में ये लेंथ एजिटिज आ गई ये पाए का फैक्टर और ये डी होल स्केयर भी था तो ये डी स्केयर का फैक्टर ये तो हमने एजेटिव लिख दिया एक्स्ट्रा क्या था ये टू तो ये डिवाइडेड बाई टू था डी बाय टू था ना और इसका स्केयर भी लेना था तो ये डी स्केयर बाई फोर होगा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है तो ये फोर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो ये आपके पास इसका एक्स्ट्रा एक्स्ट्राफेक्ट बन रहा है ये तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यूज है अगर मैं इसे ऑपरेट करता हूं तो टू आर फोर होते हैं तो नई रेजिस्टेंस इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगी टू टाइम्स ऑफ द आर के इक्वल तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी हो गई जी चार्दी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वन सेवेंटी एट किच ऑफ फर्स्ट लॉ या रूल क्रेस्पॉन्ड टू किच ऑफ फर्स्ट रूल क्या है जी द सम ऑफ ऑल द करंट मूविंग टूवर्ड्स इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द मूविंग अवे फ्रॉम डेड पॉइंट और करंट क्या होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस तो इसका मतलब है ये किस चीज को रिप्रेजेंटेशन दे रहा है ये किस चीज की मैनिफेस्टेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई बीटा 179 क्वेश्चन है जी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट बिटवीन द अपोजिटली चार्ज प्लेट इज ई इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस टू वन हाफ विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देखिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल्स के दरमियान ये रिलेशन है कहा गया कि अगर डिस्टेंस हम हाफ कर दें ये वाली वैल्यूज हम हाफ कर दें बता दें इसकी वैल्यूज पर क्या फर्क पड़ेगा देखिए एक सिंपल सी बात है अगर हम डिस्टेंस को हाफ करते हैं तो क्या दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा कतर नहीं तो डेट्स ये कांस्टेंट नहीं रहता तो इसमें क्या फर्क पड़ता है अगर ये हाफ होगा तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस इनके दरमियान में भी चेंज आ रहा होगा और अगर आप उस चेंज को डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज ही रहेगी सेम वैल्यूज के साथ आपके पास वैल्यूज आ जाएगी लेकिन अब यह क्वेश्चन पैदा हुआ कि ई की वैल्यूज तो हमारे ऑप्शंस में है ही नहीं तो इसका मतलब हुआ यहां पर आइसोलेटेड पेयर ऑफ प्लेट्स की बात नहीं की जा रही ये चीज कांस्टेंट मानी जा रही है और अंडरस्टूड सी बात है अगर आप दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस को हाफ कर रहे हैं तो उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कब कॉन्स्टेंट होगा जब ये प्लेट्स आइसोलेटेड नहीं होगी बल्कि इसके साथ बैटरी कनेक्ट की गई होगी तो डेट से हमारी एजम्प्शन ये है कि हमने ये कंसीडर किया हुआ है कि बैटरी साथ में कनेक्टेड है डेट से पोटेंशियल डिफरेंस उनके दरमियान हो गया कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके दरमियान कौन सा रिलेशन है वो हमारे पास रिलेशन है इनवर्स दिस मीन्स डेट अगर ये इनके दरम्यान डिस्टेंस हाफ हुआ होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो चुकी होगी पहले से डबल हो चुकी होगी तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई डेल्टा क्वेश्चन है जी एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस फोर मीटर वट विल बी इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इफ इट्स मूव फोर्टीन मीटर ऑन दिस सर्कुलर पाथ देखें हमारे पास एस किसके इक्वल होता है आर थीटा के वेर एस क्या है हमारे पास आर्क लेंथ की वैल्यूज को बोलते हैं जब भी आप सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे होते हैं उसमें जो हम आर्क लेंथ की वैल्यूज निकालते हैं आप इसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं बिकॉज एक्चुअली तो हम ये वाली वैल्यूज ले रहे होते हैं इसे हम एस लिखेंगे आर क्या है इसका रेडियस और थीटा क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिस मीन दैट थीटा किसके बराबर आ जाएगा के की मीटर है रेडियस फोर मीटर दिया गया दिस मीन्स दैट फोर थ्री ट्वेल्व होते हैं ना तो आंसर थ्री पॉइंट समथिंग रेडियन निकल आएगा रीजन इज दैट आप ऐसे यूनिट्स यूज कर रहे हो तो थीटा का आंसर भी ऐसे यूनिट्स में ही निकलेगा अपनी ऑप्शंस को देखिएगा ऑप्शन अल्फा है फाइव पॉइंट फाइव रेडियन ऑप्शन बीटा है थ्री पॉइंट फाइव रेडियन ऑप्शन चार ली है फाइव पॉइंट जीरो रेडियन ऑप्शन डेल्टा है रेडियन। तो कौन सा आंसर ठीक हो गया थ्री पॉइंट फाइव रेडियन करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई बीटा ये था जी लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का होपफुली आपको तमाम बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज